गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष क्यों होता है, कैसे हुई मोरिया शब्द की उत्पत्ति, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भगवान शिव के भक्तों को जिस तरह शैव कहा जाता है, विष्णु जी के भक्तों को वैष्णव कहा जाता है, ठीक वैसे ही गणपति के भक्तों को गणपत्य कहा जाता है। वो मानते हैं कि गणेश ही परमात्मा परम ब्रह्म है। इस संप्रदाय के अनुयायी दक्षिण भारत और महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। गणपति उत्सव के दौरान हम सभी नियमित रूप से गणपति बप्पा मोरिया का जाप करते हैं। पहले दो शब्द आसानी से समझ में आते हैं, क्योंकि वो गणेश को हमारे पिता के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन तीसरे शब्द मोरिया की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं कि मोरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मोरगांव महाराष्ट्र के पुजारियों और स्थानीय लोगों के अनुसार यह शब्द गणपत्य संप्रदाय के प्रवर्तक मोरिया गोसावी को सम्मान देने के लिए कहा जाता है। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम के आखिरी में तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। इस प्रकार गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया का जाप होता है। आखिर कौन थे मोरिया गोसावी? जी हाँ, आपको बता दें कि मोरिया गोसावी के माता पिता वामन भट्ट और उमाबाई मूल रूप से बीदर यानी कि कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन वो मोरगांव में बस गए। गणेश जी उनके इष्ट देव थे। वामन भट्ट और उमाबाई को विवाह के बहुत वर्षों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका उन्होंने नाम रखा मोरिया, और वो अपने पुत्र को भगवान मोरिया का उपहार मानते थे। मोरिया ने अपने पिता से गणेश उपासना के लिए दीक्षा ली। उनके माता पिता की मृत्यु 125 और 105 वर्ष की उम्र में हुई। मोरिया ने मोरगांव, थेऊर और चिंचवड़ में तपस्या जारी रखी। वह चिंचवड़ में बस गए। उनकी तपस्या स्थली पावना नदी के किनारे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। वह कई दिनों तक दूर्वा घास का रस पीते थे। एक बार वो 42 दिनों तक बिना उठे अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने अपने तपोबल के कारण कई सिद्धियां प्राप्त की। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि बाघ उनके सामने शांत बैठ जाता था और सांपों का विष समाप्त हो जाता था। उन्होंने कई चमत्कार किए हैं, जैसे अंधों को दृष्टि वापस देना। उन्होंने अपनी पत्नी को ब्रह्म विद्या सिखाई। मोरिया गोसावी ने अपने पुत्र का नाम चिंतामणि रखा। तुकाराम महाराज ने उसी पुत्र को चिंतामणि देव कहा। तब से उनका पारिवारिक नाम देव हो गया। मोरिया गोसावी ने संवत 1618 में पावना नदी के किनारे समाधि ली। आज भी महाराष्ट्र समेत देश में मोरिया गोसावी के नाम का जयघोष होता है। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना मत भूलिएगा।